टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन। जम्मू कश्मीर हफ्तावार न्यूज बुलेटिन के साथ हलीमा सादिया आपके खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा ये न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर के तरक्याती सकाफती सयाहती मंसूबों के साथ साथ वहाँ की रोजमर्रा जिंदगी के अवामी वाकयात का अहाता करता है। ये न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टिसी के साथ पेश किया जाता है। कश्मीर में नए साल की आमद को श्रीनगर के लाल चौक घंटाघर में वेलकम किया गया। इस मौका पर हजारों लोग 31 दिसंबर की रात लाल चौक पर जमा हुए। मकामी लोगों का कहना था कि इस बार का कट एक तारीखी कट था। जश्न की कैफियत श्रीनगर में पहले नहीं देखी गई। इस सिलसिला में ANI की एक खुसूसी रिपोर्ट देखते हैं। अच्छा लग रहा है, कश्मीर ने हमारा दिल जीत लिया है। सच्ची में हम बहुत खुश हैं यहाँ पर आके, यहाँ की सिक्योरिटी देख के हम बहुत खुश हैं। यहाँ के लोग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यार से बोलते हैं। नहीं, कभी नहीं सोचा था, पर हमारे ग्रुप ने कहा कश्मीर चलो एक बार, जिंदगी भर याद रखोगे आप उस चीज को। वो हुआ, वी रियली लव दैट। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है। गार्डन गार्डन हो रहा है। मैसेज देना चाह रहा हूँ कि पूरे इंडिया को यहाँ पे आना चाहिए घूमने, एक एक बार साल में कम से कम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड है यहाँ पे, एंड यहाँ लाल चौक पे मैं न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आया हूँ। काफी अच्छा सेलिब्रेशन है, काफी अच्छा डेकोरेट भी किया है, इट इज ऑसम। मैं तो सबको ये कहना चाहता हूँ कि दिसंबर में, जनवरी में, फरवरी में यहाँ कश्मीर में आए और ठंड का मौसम एंजॉय करे, गुलमर्ग जाए, पहलगाम जाए और अपने फैमिली के साथ और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करे। उधमपुर के एक कैफे के मालिक, गाहकों और स्टूडेंट्स ने नए साल का वेलकम हनुमान चालीसा गाकर किया। 22 जनवरी को राम मंदिर के इफ्तिताह की तैयारियों की रोशनी में कश्मीर से कन्याकुमारी तक पूरे भारत में खुसूसी वलवला देखने को मिल रहा है। I'm gonna make it.
हमने सोचा था कि हम सुबह यहाँ पे अपना हनुमान चालीसा का पाठ उच्चारण करके तो हम अपने इस नए साल की शुरुआत करेंगे। और हमारे कैफ़े में यहाँ स्टूडेंट्स आए हुए थे स्कूल के और भी काफ़ी कस्टमर्स थे, तो हमने उनके साथ मिलके यहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ किया जो कि हमें काफ़ी अच्छा लगा, जिससे कि पॉजिटिव वाइब रहेगी इस नए साल को शुरू करने में। तो काफ़ी अच्छा था, सनातन के तरीके से हमने अपने इस वर्ष को शुरू किया है। तो इस साल हमारा राम मंदिर का भी निर्माण हो रहा है, 22 जनवरी को हमारा राम मंदिर भी बनकर तैयार हो जाएगा। फिर सारे हम वहाँ पे दर्शन के लिए जाएंगे सारे वहाँ पे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि प्रभु राम की कृपा है कि हम सभी देशवासी 22 जनवरी को सारे अयोध्या जाकर वहाँ पे उनका भव्य रूप से स्वागत करेंगे। यहाँ पर हम कॉफ़ी के लिए आए हुए थे, लेकिन यहाँ पर देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ पर जो यहाँ के ओनर हैं निपुण जी और अक्षित जी, यहाँ पर एक बहुत अच्छी पहल नए नववर्ष 2024 के अवसर पर उन्होंने की कि यहाँ पर एक हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर, जिसमें कई स्कूली बच्चे, कई उनके कस्टमर्स, सभी लोगों को उन्होंने बिठाकर एक हनुमान चालीसा का पाठ करवाकर नववर्ष की शुरुआत की। तो इसकी मैं अच्छी सराहना करना चाहूँगा निपुण जी और अक्षित जी और टी फैक्ट्री की खासकर से, कि इस तरह से अपनी संस्कृति को, अपने कल्चर को वो बढ़ावा दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा राजवाड़ी डिस्ट्रिक्ट तक पहुंची। इस यात्रा का मकसद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की ऐलान करदा डेवलपमेंट पॉलिसियों को देश के चप्पे चप्पे तक पहुंचाना है। इस प्रोग्राम को कश्मीरी अवाम भरपूर अंदाज के साथ सराह रहे हैं। मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नेशनल लेवल का प्रोग्राम शुरू किया है, इससे तो बहुत लोगों को फ़ायदा है। हर डिपार्टमेंट के जितने भी ये डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर काम कर रहे हैं, जितनी भी स्कीमें हैं, वो स्कीमों के बारे में वो जो ये संकल्प यात्रा है, इसमें यही लोगों को जागृत किया जा रहा है, लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है कि हर जो डिपार्टमेंट के हैं, जैसे जल जीवन मिशन है उसमें क्या है, कैसे फ़ायदा लेना है, PDD डिपार्टमेंट है इसमें, RDD में, तमाम एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर के डिपार्टमेंट, बहुत से जो मुख्तलिफ जितने भी डिपार्टमेंट हैं उन सब में कैसे किन किन स्कीमों से कैसे फ़ायदा लिया जाएगा, वो उस बारे संकल्प यात्रा में अवेयरनेस दी जा रही है। ये तो बहुत स्वागत कर रहे हैं सर इसका। हाँ, बहुत स्वागत कर रहे हैं लोग, इससे बहुत बड़े खुश हैं, इस स्कीम से बड़े लोग फ़ायदा ले रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा काम किया है हमारे प्राइम मिनिस्टर। मोदी साहब ने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की दिल्ली से जो बजट में स्कीमें रखी हैं, उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक जहां भी है स्टाफ के हर डिपार्टमेंट के बंदे पहुंच रहे हैं और आगे लोग उसको समझ के जितनी काम उनसे हो सकता है स्कीमों का फ़ायदा ले सकते हैं उतना ले रहे हैं लोग। ये यात्रा कितनी कामयाब हो रही है? ये बहुत कामयाब हो रही है, इससे लोगों को जब मोदी जी कह रहे हैं कि अवेयरनेस है कि 2014 से जब उन्होंने प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने और 14 से लेकर आज तक की जो उन्होंने स्कीमें लॉन्च की हैं उनके बारे में ये जो आई हैं ये पूरी तरह उस पर अवेयरनेस दे रही हैं और एक एक चीज़ पे वो लोगों के नॉलेज में बैठ रही है और ये अच्छी तरह से कामयाब हो रही है और लोगों को अवेयरनेस मिल रही है।
सर्दियों में भड़ोती के साथ साथ श्रीनगर में इलेक्ट्रिक कंबलों की बुनाई का काम अपने जोरों पर नजर आ रहा है। इस खसूसी कारोबार की बदौलत जहां हुनरमंद खवातीन को फायदा हो रहा है, वहां फैक्ट्री वर्कर्स, सेल पर्सन और ट्रांसपोर्टेशन से वाबस्ता लोगों को भी फायदा हो रहा है। रेट में ये इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स बनाते हैं, तकरीबन हम 10-12-14 सालों से बनाते हैं। हमारा अल्लाह का शुक्र है, काम बहुत अच्छी है, इसमें रोज बरोज इसके ये डिमांड बढ़ रही है और हम इसमें डबल भी बनाते हैं, सिंगल भी बनाते हैं, हमाम भी बनाते हैं, तो हमाम की भी हमें डिमांड बहुत बढ़ रही है। 10-12 आदमी हमारे लड़कियां, 5-7 लड़कियां काम यहाँ पे कर रहे हैं और 2-3 लड़के भी काम कर रहे हैं, तो अल्लाह का शुक्र है हमारा सब कुछ चलता है। हमें बहुत फ़ायदा मिलता है, हम इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स बनाते हैं रंगरेट में, तो हमें विंटर में ज़्यादा काम होता है, तो हमें फ़ायदा भी बहुत होता है, इससे हमें फ़ायदा होता है। कितनी लड़कियां? 5-6 लड़कियां काम करते हैं। तो कितना फ़ायदा मिलता है? बहुत फ़ायदा मिलता है, विंटर में बहुत काम होता है, हमें फ़ायदा भी बहुत मिलता है, यहाँ पे हमारा घर चलता है, इसलिए हम यहाँ आते हैं। तो आप यहीं पे बनाते हैं? पहले ये यहाँ पे नहीं बनती थी? नहीं, हम यहाँ ही बनाते हैं, यहीं पे बनती भी है, यही हमारी फैक्ट्री है। हाँ, तो एक लड़की के लिए कितना अच्छा काम है? बहुत अच्छा है, मतलब हमारा घर चलता है, हम खुद को चलाते हैं, मतलब अच्छा हमारा गुजारा होता है इसमें। हाँ, तो आना चाहिए लड़कियों को? हाँ, आना चाहिए, हम बोलते हैं लड़कियों को आ जाओ, ये अच्छी जॉब है, मतलब फायदा होता है। कश्मीर में जहां लोगों ने लाल चौक पर नए साल को खुशामदीद कहा, वहां कश्मीर की बर्फानी वादियों में भी नया साल मनाने वालों की एक बड़ी तादाद जमा हुई। सयाहों की एक बड़ी तादाद ने बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच अपना नया साल मनाया। Thank you.
बहुत ही अच्छा लग रहा है काफी। वैसे तो बाय द वे मैंने सुना था यहाँ पे पहले बहुत ज्यादा रिस्क थे, बट आज आप लोगों की तरफ से हमें यहाँ पे घूमने का मौका मिला, ये आप लोगों के लिए हम बहुत बहुत ज्यादा थैंक्स है ना। बट रियली आई एम वेरी एंजॉयफुल। मैं तो जब जम्मू आऊंगा तो मैं यहाँ पे तो जरूर विजिट करना चाहूंगा, ये मेरा विश रहेगा, क्योंकि ये मेरे को जो प्लेस है ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। फर्स्ट टाइम आया पर फुल एंजॉय किया, इतनी स्नोफॉल पहले नहीं देखा, जैसे डलहौजी में गए हम, इससे पहले श्रीनगर गए हैं, पत्नी टॉप में देखा है स्नोफॉल, बट इतना ज्यादा हैवी स्नोफॉल फर्स्ट टाइम देखा है। हम तो सबको यही जाके बोलेंगे पंजाब में कि अगर स्नोफॉल देखना है तो यार यहाँ की लुकिंग बहुत ही सुपर्ब है, और यहाँ का जो जम्मू टूरिज्म है वो सबसे बेस्ट है, हमें बहुत अच्छा लगा, यहाँ एंटरटेनमेंट हो रहा है बहुत अच्छा। तो कितने दिन का भी आपका टूर है? हम 4 डेज टूर लेके आए थे वैष्णो देवी से, देन इधर आए, और देयर विल बी वेरी एंजॉय, हम बहुत आनंद ले रहे हैं यहाँ पे। तो दूसरे टूरिस्ट को क्या कहेंगे लोगों को? सबको यही कहेंगे, अगर कोई फॉरेन भी जा रहा है तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा, वर्ल्ड में इससे अच्छी जगह नहीं है। आज का हफ्तावार जम्मू कश्मीर न्यूज बुलेटिन ANI की कर्टसी के साथ देखने का बहुत शुक्रिया। टैग टीवी कनाडा अमेरिका की जानिब से कश्मीर न्यूज एंड व्यूज बुलेटिन।